जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कृषि मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर एनआरसी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागरिकता रजिस्टर बनेगा और विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि झारखंड में भाजपा का पूरा मैनिफेस्टो जल्द ही आने वाला है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह चुनाव केवल मुख्यमंत्री बनाने या किसी पार्टी की सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि झारखंड को बचाने का चुनाव है। बेटी माटी और रोटी, इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी परिवर्तित हो रही है और संथाल परगना में आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% रह गई है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी भी प्रभावित हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक की लालच में हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। घुसपैठियों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं और यह देश के लिए बड़ा खतरा है। आदिवासियों की बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे शादी करके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। दरअसल झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में कल रविवार को चुनाव समिति की बैठक की। इस बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यह सह प्रभारी हैं। इन्होंने बैठक में हिस्सा लिया और कहा कि हमारे योद्धा भी चुनाव के लिए तैयार है। जब हमें राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी तो हम उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे और इस बार का चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव होगा और घुसपैठियों को निकाला जाएगा। थैंक यू।